बोलिए सदगुरुदेव की, भक्त मंडली की जय, आज के आनंद की जय। साहेब बंधुओं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। हमारा शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना है और इसमें पांचों तत्वों के गुण हमारे शरीर में, उन पांचों तत्व की प्रकृतियां नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जल की प्रकृति दिखाई दे रही है, थूक, पसीना, मूत्र, रक्त, भीड़ आदि। अग्नि की प्रकृति भी दिख रही है, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्भाई। वायु की प्रकृति भी दिख रही है, सुकड़ना, पसरना, बल लगाना, बोलना और सुनना। इसी प्रकार आकाश तत्व की प्रवृत्ति भी दिख रही है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि। तीनों गुण भी मनुष्य में दिख रहे हैं। आप देखें, कुछ लोग सतोगुणी प्रधान है, कुछ तमोगुणी प्रधान है और कुछ रजोवृत्ति के हैं। जो सतोगुणी हैं, जिनमें विशिष्ट है सतोगुण, ये भी सब चीजें कर्मानुकूल मिलती है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर, ये कर्मानुकूल बनती है। आप देख रहे होंगे, आपके सामने ही काफी लोग इतने अच्छे हैं, उनकी विचारधारा बड़ी अच्छी है, किसी को कष्ट देना नहीं पसंद करते हैं, उनमें हिंसा नहीं है। एक माँ के चार पुत्र होते हैं, उन चारों में अलग अलग प्रवृत्ति है, जबकि एक ही रक्त से उनके शरीर का संचालन हुआ बना है, पर प्रवृत्तियां अलग अलग हो जाती है। मेरा भाव यह है, चाहे कितने भी दुष्ट आदमी को आप देख रहे हैं, उसके अंदर आत्म तत्व निहित है। इसी प्रकार हर मनुष्य में आत्म तत्व भी के, आत्मा के गुण भी दिख रहे हैं, पर क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब मैं दाहोद से, औरंगाबाद से प्रोग्राम दे करके बंबई जाता हूं, तो एक जगह आती है रास्ते में जहां 12 महीने बादल मिलता है। वो ऐसा एक क्षेत्र है जहां बादल रुका रहता है। भाव, वो एक भौगोलिक प्रक्रिया है। मेरे कहने का यहां प्रयोजन है, आत्मा की चीजें भी सब में दिखाई दे रही है। देखो, सरलता सब में भी होती है। जो शेर खूंखार है उसमें भी सहजता आ जाती है। मैंने कई बार देखा, एक हिरणी की बच्ची, एक शेरनी हिरणी के पीछे भागी, तो हिरणी तो दौड़ गई, लेकिन हिरणी का बच्चा नहीं दौड़ सका, वो रुक गया और शेरनी को प्यार करने लगा। देखो, उसके अंदर ममत्व और करुणा जागी, जबकि वो स्वभाव से, व्यवहार से खूंखार है। वो उस हिरणी के बच्चे को संरक्षण देने लगी। एक और शेरनी जब उसको मारने आई, वो उससे पूरी फाइट की और उसे घास चराने जाती। मेरे कहने का मतलब है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। जिनको हम अत्यंत क्रूर मान करके नफरत करते हैं, उनके अंदर भी ये तत्व मौजूद हैं। हीरा चमकता है, लेकिन कीचड़ के संसर्ग में आकर के उसकी चमक लुप्त हो जाती है, खत्म नहीं होती है। इसी तरह परिवेश में, जैसे संघ में आदमी जीता है, वो वृत्तियां उसमें आ जाती है। मैं उदाहरण देता हूं, एक 3 साल का बच्चा गुस्सा होकर किसी को करता है, कहता है तू परे हट। आखिर उस बच्चे को ये कठोर वाक्य कहां से मिला कि तू परे हट? जरूर उसने कहीं से सीखा। यानी मेरे भाइयों, साहब का यह शब्द बहुत सार्थक है।
बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। आप अजमा कर देखना, अगर कोई अत्यंत क्रूध भी है, जब आप करुण हो जाते हैं तो उसका क्रोध दब जाता है। यानी ये सभी चीजें हर एक मनुष्य के अंदर है, हर एक मनुष्य के अंदर काम है, हर एक मनुष्य के अंदर क्रोध है, हर एक मनुष्य के अंदर लोभ है, हर एक मनुष्य में अहंकार है। अंतर इतना है कि वो कुछ इसको कंट्रोल कर लेते हैं, ज्ञान तत्व से कुछ नहीं। आइए मैं एक प्रसंग बताता हूं। एक बार एक ज्योतिष ग्रीस में आया और वो सुकरात के शिष्यों का हाथ देकर भविष्य बता रहा था। शिष्यों ने सोचा इसको बताते नहीं है, इसकी वाणी में कितनी सत्यता है ये देखने के लिए हम अपने गुरु सुकरात का हाथ इसको दिखाते हैं। वो ज्योतिषी जब सुकरात का हाथ देखा, जो व्याख्या दी वो ध्यान से सुनना, उसने कहा ये आदमी बहुत धूर्त होना चाहिए, इस आदमी में साम दाम दंड भेद जितने भी दोष है ये पूर्ण होना चाहिए, ये आदमी क्रूर है, इस आदमी में हिंसा भरी हुई है, ये अपने हित के लिए दूसरों का अनहित भी कर सकता है, इसमें क्षमा का अभाव है, और उसने बोला मैंने आज तक इससे पहले इतना गंदा हाथ नहीं देखा था जितना इस आदमी का हाथ विकट है। सुकरात के शिष्यों को क्रोध आया, उस ज्योतिष को मारने के लिए तत्पर हुए गुस्से में। सुकरात ने बताया क्या बोला, रुको, इस ज्योतिष ने जो मेरे लिए मेरे दुर्गुणों का वर्णन किया वो सत्य है, ये सब मुझ में थे हैं, ये महान ज्योतिषी है, मैंने इसे ज्ञान तत्व से दबाया हुआ है, देखा ना आपने। तो इस तरह से विष अमृत रहत एक संगा, मलयागर में रहत भुजंगा। तो ये दोष गुण से भरा शरीर है, मैं यूं कहना चाह रहा हूं जब तक ये मनुष्य इस पंचभौतिक शरीर में है, शरीर की प्रवृत्ति नहीं जाने वाली है, इससे सावधान रहना। ये तन विष की बेलरी क्यों कहा गया, ये तन विष की बेलरी क्योंकि इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या इनके पूरे परिवार का मैंने विश्लेषण किया है। इसमें राग द्वेष वैमनस्य ईर्ष्या आदि, उदाहरण के लिए मैंने कहा था कि काम की स्त्री रति है, लोभ की स्त्री तृष्णा है, मोह की स्त्री ममता है, अहंकार की स्त्री कुबुद्धि है, उनके फिर पौत्र पोत्र भी है। इसी को तो गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं ना, प्रबल अविद्या का परिवार, खल कामाधिक मोह अपारा, इन सब मिल जीव ही घेरा, बिन पर चाहिए जम को चेरा। ये सब मिलकर इस आत्मा को बंधन में डाले हुए हैं। इसलिए जीव अधम और नीच है, इसको ना पत्या है। साहब की वाणी बड़ी नपीतुली है, क्या बोल रहे हैं, जीव अधम और नीच है या को जिन पत्या है। ऐसा क्यों कह दिया, प्राणेन्द्रित जीवेशु, जब ये आत्मा शरीर को धारण करती है इसकी गुण और वृत्तियों को का आच्छादन हो जाता है, लेकिन
आत्मा अपने गुण को त्यागती नहीं है। जैसे कमल का फूल पंख में, पंख कीचड़ को कहते हैं, इसलिए कमल के फूल को पंकज भी बोलते हैं, यानी जिसका कीचड़ से जन्म होता है, लेकिन वो अपनी सुगंधित वृत्ति को त्यागता नहीं है। जाकी उत्तम प्रकृति, क्या कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। इसलिए प्रारब्ध को परिष्कार और पुरुषार्थ दबाता है। जिसको जैसी संगत मिलती है वैसे उसमें वृद्धि आ जाती है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, मांस मांस की मिश्री एक है भाव बिकाए, कबीरा एक है भाव बिकाए। इसलिए जल परमाने माछली, पर परमाने पुद, जाको जैसा गुर मिला ताको तैसी शुद्ध। गुरु सिगली कर कीजिए, मन है मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। जैसे आंख का डॉक्टर आंख के विषय में एक विशेष अध्ययन किया हुआ है, वो आई संबंधी सभी रोगों का निदान जानता है, इस तरह गुरु यथार्थ में तत्ववेता हो, तत्वज्ञ हो, उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो जिसमें, तब आपके आत्मा के ऊपर आने वाले आवरणों को हटा सकता है। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर है। अंधे को अंधा मिले, राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, गुरु सिकली कर कीजिए, मन है मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए वो अध्यात्म वेताओं, यहां ये कहा गया भ्रंगमता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। ये सब साधनाओं से नहीं हो सकता है, ये सब प्रयास से नहीं हो सकता है। वाह, ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। अदा कर खुद खजाने से, अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। इसलिए ये एक अकाट्य सिद्धांत है, ये मनुष्य संसार सागर से अपने प्रयास से कभी भी नहीं निकल सकता है। ऐसे ही नहीं कह रहे गोस्वामी जी, गुरबिन भवनिध तरह न कोई। वाह, गुरबिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यही वशिष्ठ जी राम जी को भी उपदेश दे रहे हैं। इसलिए पात्र अच्छा होना चाहिए, अगर सुरा पात्र में गंगा जल डाल दिया ना तो गंगा जल भी दूषित हो जाएगा। पात्र की आवश्यकता है। मेरे पास एक आदमी आया, ये प्रमाण देने होते हैं समझाने के लिए। उसने मुझे कहा, मैंने पहले 20 गुरु किए। मैं कहा वेरी गुड, तुम में दो चीजें होनी चाहिए, या तो तुम विकृत दिमाग के हो, या तो तुम दत्तात्रेय की तरह खोज कर रहे हो। इनमें से तुम्हें क्या लगता है, क्या विकृत दिमाग के हो? उसने बड़ी लंबी बहस की मुझसे। बाद में वो मुझे क्या बोला, मेरी बीबी भी कह रही है कि तुम पागल हो। मैं बोला बस तुम अपनी लाइन पर खुदा जाओगे। तर्क ज्ञान को अनुभव करने की कसौटी है। वाह, जैसे सोने को अनुभव करने की कसौटी है, कसौटी सुनार कसौटी का प्रयोग जल्दी नहीं करता है। कसौटी से सोने का व्यय होता है,
वो तो हाथ में ही लेते सोने का मूल्यांकन कर लेता है कि ये सोना है या पीतल है। मैंने एक सुनार से पूछा, भाई आप सोने का मूल्यांकन कैसे करते हैं? बोला, महाराज हम पहले कलर देखकर ही बता देंगे कि ये सोना है या इसमें मिश्रण है। मैं बोला, फिर बोला हम कलर से अगर नहीं जजमेंट होती है तो हाथ में पकड़ लेते हैं, हम हाथ में पकड़ते स्वर्ण की गुणवत्ता को समझ जाते हैं। मैं बोला, हाथ में पकड़ने में ऐसा क्या गुण है हाथ में? बोला, सोना भारी होता है बाकी तत्वों से। अच्छा, बोला जब हमें ये जानना होता है कि इसमें कितनी प्रतिशत खोट है तब हम कसौटी का प्रयोग करते हैं। मैं बोला, कसौटी कैसे बताती है? उसने मुझे प्रत्यक्ष दिखाया, काला पत्थर है कसौटी, और जम्मू कश्मीर में ये तो बहुत है, नदियों में है, पारस पत्थर कहीं आसमान में नहीं है, धरती पर है। एक उक्ति है, पारस पत्थर का भेद उल्लू के पास है। आपने अपने जीवन में सबका घोंसला देखा होगा, चील का, गिद्ध का, चिड़िया का, तोतों का। तोते लकड़ी काट कर डाली के अंदर अपना बच्चों को रखते हैं, लेकिन आपने कभी उल्लू का घोंसला नहीं देखा होगा। उल्लू पर थोड़ी बात करूंगा, मैंने गधे पर भी एक बात की थी, शायद आप लोग हंसेंगे। लोगों ने गधे के साथ, मैं उल्लू पर भी आऊंगा, लोगों ने गधे के साथ बड़ी नाइंसाफी की। गधा एक ऐसा प्राणी है, उस बेचारे की बड़ा सेवक है, उसकी कोई डिमांड नहीं है, आप उसको रहने का स्थान दो या न दो ये मैटर नहीं करता। आप इसको खाने पीने के लिए दो न दो वो खामोश रहता है। शायद हम सब गधे पर क्यों हंसते हैं, शायद एक तो उसकी आवाज ऐसी है, दूसरा उसके शरीर की और अंगों की, गुप्त अंगों की रचना थोड़ी अटपटी है, इसलिए हम उस पर हंसते हैं। पर लाजवाब प्राणी है। एक कहावत है, धोबी को न गधे जैसा गुइया, और गधे को न धोबी जैसा गुसैया। इसका मतलब है, गधे को, धोबी को गधे जैसी सवारी नहीं मिल सकती, गुइया सवारी को कहते हैं। उसको चाहे कुछ दो या नहीं दो, अब घोड़ा है उसको तो कम से कम 400-500 रुपए की खुराक देनी पड़ती है। एक गाय को हमारे पास तो 300-400 पशु है, 200 रुपए की खुराक गाय को देनी पड़ती है, लेकिन गधे को कुछ दिया तो ठीक है, नहीं तो वो बेचारा इधर उधर घास खा करके चुप चाप हो जाता। दूसरा, गधा वो चीज है। एक बार एक भयंकर धूप थी और गधे के पास में एक पेड़ था, लेकिन पेड़ में नहीं खड़ा, पेड़ के पास नहीं गया, धूप में ही खड़ा था। मैंने कहा, किसी ने पूछा, गुरुजी ये पास में पेड़ है उधर क्यों नहीं जा गया? मैं बोला, ये गधा है, इसलिए किसी बेवकूफ को देखकर नहीं बोल तुम्हारे गधे की तरह आदमी है। मैं कहा, ये गधा है। अब धोबी क्या करता है, गधे को पसंद करता है बहुत, धोबी गधे को बहुत पसंद करता है, क्योंकि कोई खर्चा नहीं है और कपड़ों की गठान रखी उस पर, और नदी में चला जाता है, उनको धोकर फिर सुखाकर उसी पर ले आता है। इसलिए धोबी का गधा विशेष है, और गधे के लिए धोबी जैसा मालिक नहीं मिलेगा। कुम्हार के पास पहुंचेगा तो दो मन मिट्टी लाद कर उसकी कमर सीधी कर देगा, वेट ला देगा। आप देखा ना, बहुत गधे पर बहुत वेट रखा जाता है, लेकिन कुम्हार तो उस पर कपड़े ही रखेगा, इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते। आइए, मैं आपको बताने जा रहा था, इसी तरह बंधु, उल्लू के पास पारस का ज्ञान है, आप उल्लू को साधारण नहीं समझना। पर हम किसी को जब देखते हैं थोड़ा सा कुंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है, तो कहते हैं, यार उल्लू की तरह है ये आदमी। ऐसी लोकोक्ति क्यों बनी, आइए मैं बताता हूं।
एक बार एक उल्लू एक पेड़ की डाली पर बैठा था। दिन का समय था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता गया। मैं उसके इतने पास पहुंचा कि हाथ से पकड़ सकता था, पर मैं किसी पक्षी को नहीं पकड़ता हूं। आप हाथ नहीं लगाना पक्षी को। अगर आपने किसी पक्षी को हाथ लगाया, कौए मार देंगे। कौए बड़े शकिया है, वो सोचते हैं मनुष्य ने पता नहीं इसको क्या जादू सिखाया होगा। वो सिर्फ आवाज जब थोड़ी सी हुई, मैंने कहा ये हिल नहीं रहा, बस वो फिर आवाज का डायरेक्शन लिया और उड़ के दूसरी दिशा में चला गया। वो सिर्फ आंख खोल करके, कहते ना उल्लू की तरह क्या देख रहा है, उसकी निगाहें भाव शून्य होती है। वो उसके पलक नहीं है, उसकी आंखें भाव शून्य होती है। इस तरह सांप के भी पलक नहीं है। तो जब सोना होता है तो अपनी आंखों को इस तरह छिपा देता है अपने चक्रावत भाव में कि ताकि प्रकाश नहीं आए। तो बंधुओं, उल्लू पारस का ज्ञाता है और कोई पारस का ज्ञाता नहीं। उल्लू इतना समझदार भी है, वो पारस का भेद मनुष्य को नहीं देता है। वो सोचता है अगर मनुष्य के पास पारस का ज्ञान आ जाएगा तो लोहे का दाम सोने से ज्यादा हो जाएगा, सोना सस्ता हो जाएगा। क्योंकि पारस तभी सोना बना सकता है जब उसको लोहा मिले और लोहा स्वच्छ मिले, तभी तो। यहां एक साहब ने एक उक्ति कही, गुरु बिचारा क्या करे, गुरु बिचारा क्या करे जब चेला खोटा होए। पारस बिचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए। उसके ऊपर अगर जंग है ना तो पारस अपना काम नहीं कर सकता। इस पर मुझे एक और ख्याल बात याद आ गई। कभी भी पारस जंग लगे लोहे को सोना नहीं बना सकता। कभी भी रंगरेज मेले कपड़े को कभी नहीं रंगेगा। वो कहेगा धोखे लाओ, मेरे पास तो रंगरेज भी मेरे शिष्य हैं, बड़े जजेस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, तो सबसे संपर्क हो जाता है। जब उनका पेशा पता चलता है, बात कर लेता हूँ, आइडिया मिल जाता है। मैंने रंगरेज से पूछा, भाई आप लोग मेले वस्त्र को कलर क्यों नहीं चढ़ाते। बोला महाराज कलर तो हम चढ़ा देंगे, लेकिन जब मेले कपड़े को धोएंगे तो मैल उतर जाएगी, जब मैल उतर जाएगी तो मैल के ऊपर चढ़ा हुआ रंग भी गायब हो जाएगा, तो पूरा कलर चितकबरा हो जाएगा। इसलिए हम कभी भी किसी भी कीमत में मेले कपड़े पर अपना रंग नहीं चढ़ाते। टेलर मास्टर भी मेले कपड़े पर सुई नहीं चढ़ाता। मैंने उससे पूछा, भाई आप मैले कपड़े पर सुई क्यों नहीं चढ़ाते, मशीन पर क्यों नहीं चढ़ाते। बोला गुरुजी मैल में चिकनाहट होती है, मैल में नमी होती है, तो सुई जो सिलने वाली है फंस जाती है और फौरन सुई टूट जाएगी और मशीन का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम कभी भी मैला वस्त्र उधर नहीं चढ़ाते। आइए मैं उल्लू पर बताता हूँ। उल्लू पारस का ज्ञाता है। आपने उल्लू का कभी घोंसला नहीं देखा होगा। वो अपने बच्चे का कभी ज्ञान किसी को नहीं देने देता है, अपने घर का पता नहीं देने देता है। वो उल्लू पारस को लेकर अपने बच्चे की आंख पर मलता है, तभी आंख खुलेगी, नहीं तो आंख नहीं खुलेगी। ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी उल्लू को किसने बताई। अगर आप प्राणी जगत में थोड़ा भ्रमण करेंगे तो इतना टैलेंट है उनके अंदर कि मैं आपको क्या बताऊं। एक मधुमक्खी को 12 किलोमीटर दूर अगर कहीं फूल है तो उसकी खुशबू ले लेती है 12 किलोमीटर। कुत्ता 300 मीटर तक खुशबू ले लेता है, इनकी सिंघन शक्ति है। सांप 100 फीट तक अगर चूहा है उसका ज्ञान ले लेता है, और शेर भी
100 मीटर तक अगर कहीं आदमी है उसकी महक ले लेता है। तो इस तरह उल्लू क्या करता है, बड़ा होशियार है वो, पारस पत्थर का ज्ञाता है, पारस पत्थर को ले जाता है अपनी चोंच में और बच्चे की आंख पर यू मलता है, आंख पर मलता है। ये प्रयास एक दिन में नहीं होता है, दो चार दिन कुछ करता है तब आंख खुलती है। इसलिए वो पारस पत्थर को ऐसे फिर पत्थरों में फेंक देता है या कभी कभी अपने पास भी रखता है, दुर्लभ है थोड़ा, इसलिए वो अपने घोंसले का भेद कभी किसी को भी नहीं देता। प्रमाण देता हूं, लक्ष्मी जी का वाहन भी उल्लू है। वाह, लक्ष्मी जी का वाहन भी उल्लू है। लक्ष्मी जी यानी आप देखे, लक्ष्मी जी की पूजा के साथ उल्लू की पूजा भी करते हैं, लेकिन लोग तथ्यों को नहीं समझ पाते। तो इस तरह मनुष्य अपने अंदर के इन दोषों को अपनी ताकत से कभी भी नहीं निकाल सकता। बहुबंधन ते बांधिया, बहुबंधन ते बांधिया एक बिचारा जीव, जीव बिचारा क्या करे जो न छड़ावे पी। गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सृजनहार, सूरज शिला पर धोइए निकसे रंग पा। साहेब का हर एक वर्ड, हर एक शब्द एक चेतावनी है। तो इस तरह से बंधु राम जी को भी इस तरह विषमृत रहते संगा, आपके साथ वो दोष भी है, आपके साथ वो गुण भी है। ये बालक निकाल नहीं पाया उस शेरनी और उस हिरणी के बच्चे को, मैं आपको ये फिर किसी समय दिखा दूंगा। यहाँ तो आप एनिमल प्लांट में जाकर ये करना कि भाई शेरनी किस तरह से हिरणी के बच्चे को संरक्षण दिया, वो फौरन आ जाएगा। तो ये दया भी बड़ी बड़ी है, सबकी गठरी लाल है कोई नहीं कंगाल। बुरा जो खोजन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। एक बात और होती है, कभी कभी आपके बच्चे रूठ जाते हैं, अज्ञानता के कारण रूठ जाते हैं। आप ये जानते हैं कि इनका रूठना जायज नहीं है, नाजायज रूठ रहे हैं, आप तो भी तो मना लेते हो ना। आप इस तरह गुरुजन है, वो मां का हृदय भी रखते हैं। एक कहावत है, गुरुजनों का अंतःकरण मां की तरह कोमल होना चाहिए, शिष्य गलतियां करेगा उसकी गलतियों को सुधार कर सके, उसमें परिवर्तन ला सके, उसमें अध्यात्म जागृति कर सके। पर साहब एक शब्द और जटिल बोल रहे हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़गड़ काड़े खोट, गुरु आपके दोषों को निकालने में रियायत नहीं करेगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। यानी कुम्हार घड़े में थापी क्यों मारता, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए क्या? नहीं, कुम्हार से पूछ लेना वो आपको बता देगा। हथेली अंदर से सहारा देता है क्योंकि कच्ची मिट्टी है, अभी उसने चाक पर एक घड़े की आकृति बनाई, अभी वो बहुत कच्चा है, उसको मालूम है कि कितना पानी डालना है, कितनी मिट्टी है, ताकि ये स्टैंड तो करे घड़ा। बाद में घड़े को चाक से चाक पर ही रखता है, फिर थापी मारता जाता है। क्यों मार रहा है? बाहर से लग रहा है मार रहा है, ताकि अंदर कोई कंकड़ होगा, हथेली और थापी के संसर्ग से हथेली पर टकराएगा, वो उसी समय वो कंकड़ निकाल देता है, वहां दूसरी मिट्टी रख करके फिर थापी मारता है। नहीं तो वो कंकड़ जब उसे भट्टे में डालेगा पकाने के लिए, वहां से फूटेगा, घड़ा किसी भी काम का नहीं रहेगा। जो गुरु शिष्य के दोषों को नहीं बोल सकता है वो गुरु मृतक है, वो गुरु स्वार्थी है। तभी तो गुरु सदगुरु ऐसा कीजिए, ताते लोह लोहार, वाह, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। लेकिन आप कभी कभी ये देखते हैं, ऐसा हताश नहीं करना है शिष्य को, गुरु को मां की तरह। बच्चे आपको नाजायज जिद भी करते हैं, आप जान जाते हैं इनकी जिद उचित नहीं है, तर्कयुक्त नहीं है, रूठे हैं, पर आप
कोमल हो जाते हैं, उसकी उस तर्क को थोड़ी देर मान भी लेते हैं, फिर आप उसको समझाने लगते हैं। इस तरह मेरे विचार से गुरुजन माँ की तरह होना चाहिए, उनमें यह अहंकार नहीं होना चाहिए, जाता है तो हमारा क्या बिगड़ेगा। वो ऐसा कह के अपने कृत पर पानी फेंक रहे हैं। जैसे माली एक पौधे को सींचता है, अगर वो पौधा टेढ़ा भी हो जाता है ना, तो बंक लगाकर उसको सीधा करता है और हर चीज से बचाता है, और जब बड़ा हो जाता है ना, तो माली उस पेड़ को अपने हाथ से कभी नहीं काटना चाहेगा। उसको ये ध्यान होता है, इस पौधे को मैंने पल्लवित की, इस पौधे को मैंने सृजित किया है, एक छोटी सी भूल के कारण मैं अपनी पूरी मेहनत को क्यों बर्बाद कर दूं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए चित में चैन ना आए। इसलिए यही बात तो कांग भुषुंड से गरुड़ जी ने एक बात पूछी थी, आप इतने परम ज्ञानी हैं, आपने इतनी प्रलय महाप्रलय देखी, आप इस शरीर को, कौए का शरीर निघ्न माना जाता है, निघ्न बहुत गंदा माना जाता है, वजह कौआ सब कुछ खा लेता है, तोते को तो बड़ा प्यार से पालते हैं, कौआ कोई पालता नहीं मैंने तो अभी तक देखा नहीं कोई कौए को पाले। हाँ, एक अंग्रेज को देखा था कौआ पाला हुआ था, उनकी तो कहानी अलग है, उनकी तो महिमा अलग है, बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि नहीं तो मेरा ये वाक्य यूट्यूब वाले गूगल वाले वहीं पर ब्लॉक कर देंगे, यहाँ बाउंड हूँ मैं, मुझे सोच करके बोलना है, किसी जाति धर्म को भी मैंने यहाँ दूषित नहीं करना है। तो बंधु, इस तरह गुरु आपके दोषों पर चोट करेगा, आपके दोषों को निकाल देगा, तोता बड़ी मीठी वाणी बोलता है, कोयल काको का देत है, कागा क्या हर ले, क्या साहब की वाणी में तर्क है। भैया कौआ किसका क्या ले रहा है और कोयल किसको क्या दे रही है, सब कोयल से प्रेम करते हैं, आगे साहब खुद उत्तर दे रहे हैं। आप कौए को देखकर शायद भगा देते होंगे, आप अब यह देखिएगा इस हिरनी ने इस बच्चे को संरक्षण दिया है, अब दूसरी हिरनी शेरनी आई है, इस शेरनी ने बच्चे को संरक्षण दिया है, जब दूसरी शेरनी उस पर हमला किया, इसने उससे पूरी टक्कर लेकर बच्चे को संरक्षण दिया। इसलिए हरेक के अंदर ये सभी नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां हैं, आपने देखा ना, आप एनिमल प्लांट में जाकर के देख सकते हैं, ये उसको घास चराती थी, इसलिए विषमृत रहतिक संगा मलयागिर में रहत भुजंगा, ये सभी चीजें मनुष्य के अंदर हैं। तो गुरु क्या करता है, दोषों पर चोट कर देता है। तो कोयल क्या देती है किसी को, कौआ क्या लेता है, पर सुनिए मधुर वचन वो बोलकर सबका ही है, हर ले, हाँ हर लेने का मतलब अपने में कर ले, वाणी मीठी बोलिए, वो अपनी मधुर वाणी से जब कोयल बोलती है बड़ा प्रिय लगता है। आप ध्यान देना, कोयल मादा नहीं है, नर को कोयल बोलते हैं, मादा को बोलते हैं कोकिला, इसलिए लता मंगेशकर को कोकिला भी बोला जाता है, अभी उनका शरीर छूट गया, बड़ी स्वर की वो साम्राज्य थी, काफी लंबा समय उसने फिल्म जगत में अपना योगदान दिया था, ऐसे लोगों को जल्दी लोग नहीं भूलते हैं। इस दुनिया में जो भी किसी को कुछ सुख दे के गया, हमेशा समाज या परमार्थ किया, समाज उसे कालांतर तक बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, जो तानाशाह है उसको समाज कभी भी माफ नहीं करता है, उसे कालांतर तक घृणा की दृष्टि से देखता है, चाहे बहुत बड़ा समय गुजर जाए
तानाशाह को कभी समाज माफ नहीं करता है। इसलिए आप अपने अंदर तानाशाही नहीं रखें, चाहे आप ऊंचे पद पर भी हैं, आप निम्र रहें। सबसे है लगता भली, लगता से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा मात नवे सब पर। इस तरह आप अपने प्रयास से नहीं छूटेंगे, गुरु आपको एक अध्यात्म शक्ति देगा, उसके द्वारा ही आप अपने आपका हृदय प्रकाशित होगा, तब आप अपने अंदर से के इन दुश्मनों को जीत सकते हैं, अन्यथा आप उनको कभी नहीं जीत सकते हैं। अरे भाई, आपके कमरे में दिया जला दिया, आप आंख ही नहीं खोल रहे तो अंधेरे में हो फिर भी। इस तरह गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक तीनों तीर्थधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। क्षमा चाहता हूँ, समय अभाव है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहेब।